हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, जिसमें बोला कि ए बी सी डी इज अ सच अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है दैट ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसमें ए इस सर्कल का सेंटर है, पासिंग थ्रू द बी सी डी, और जो सर्कल है बी सी डी से पास करता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, इन चार पॉइंट से पास करता है। तो मैंने इसे क्वाड्रिलेटर को मिला दिया, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ। करने के बाद में फिर आगे बोला गया है कि एंगल सी बी डी, सी बी डी यानी कि इस वाला एंगल, ये वाला एंगल और सी डी बी, सी डी बी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करने पे ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी ए डी के, बी ए डी इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट, ए सर्कल विद सेंटर ए, इसका सेंटर कौन है, ए है, और बी सी डी लाई ऑन सर्कल, जो किसी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। हमें टू प्रूफ करना है कि जो मेरा एंगल है सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी ए डी के। तो देखो, सी बी डी प्लस सी डी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल बी ए डी के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने ज्वाइन कर दिया ए सी को एंड बी डी को, बी डी को तो मैंने पहले ज्वाइन कर दिया था, और ए को सी के साथ और ज्वाइन कर दिया। ठीक, ज्वाइन करने के बाद मैं इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ वन, इसका नाम दे देता हूँ एंगल नंबर टू, ताकि समझने में आसानी हो। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसकी दो फिगर बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने इसी क्वेश्चन में से दो अलग अलग फिगर को बना लिया। देखो, ए मेरा सेंटर है, ए मेरा सेंटर है, ठीक है, सी डी मेरी कॉर्ड है। सेम सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है, एक ही सेंटर बनने वाला एंगल, रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी कोई एंगल बनता है, ये इसका क्या होता है, डबल एंगल होता है। जितना मान लो ये एंगल 30 है, तो इसका कितना होगा, 60 होगा, ये 20 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। सिमिलरली सेंटर पे बनने वाला एंगल, रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। दोनों में मैंने सेम लॉजिक लगाया, इसमें सी डी को लिया, इसमें बी सी को लिया मैंने। तो लेते हुए मैंने यहाँ पे लिखा, जो एंगल ए सी डी इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ एंगल टू के, ठीक है, ये हमने थ्योरम 10.8 के अंदर प्रूफ किया था। इसे नंबर मान लेता हूँ वन। सिमिलरली एंगल बी ए सी इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ एंगल वन के, ये फिगर इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसी में से निकाल के इसको सेपरेट करके बनाया, इसे नंबर मैंने टू लिख दिया, और यहाँ लिखा बाय थ्योरम 10.8। यहाँ पर थ्योरम 10.8 की स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ये थ्योरम 10.8 के अंदर मैंने प्रूफ किया है। 1 + 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल टू एंड टू टाइम्स ऑफ एंगल वन। अब देखो, ए सी डी और बी ए सी, ए सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डी ए सी है ये, डी ए सी, और इसमें बी ए सी, इसमें तो सही लिखा है डी ए सी, तो एंगल डी ए सी ये वाला प्लस में दूसरा कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला, इन दोनों एंगलों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे क्या बन जाएगा, बी ए डी, दोनों को ऐड करने बन जाएगा एंगल बी ए डी। दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिया मैंने एंगल टू प्लस में एंगल वन बी ए डी, एंगल टू, एंगल टू ये था मेरा, इसका नाम क्या था, सी बी डी, चाहो तो आप लिख सकते हो या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो कि सी बी डी प्लस एंगल वन, एंगल वन ये था, क्या नाम था इसका, सी डी बी, तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल सी डी बी। ये मल्टीप्लाई में टू है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो इसके आगे डिवाइड में एंगल बी ए डी की, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि सी बी डी और सी डी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ बी ए डी की। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, बोला गया इसके अंदर ओ इज अ सर्कम सेंटर, ओ सर्कम सेंटर यानी सर्कल में बनने वाला कोई ट्रायंगल, इसके अंदर कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर बनने वाला कोई ये
सेंटर है उसका एबीसी का। तो पहले मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया एबीसी, इसका नाम रख दिया ए बी सी, ये इसका सेंटर हो गया ओ। डी इस तरीके से बनाया कि वो मिड पॉइंट हो बी सी का, डी इस तरीके से है कि बी सी का मिड पॉइंट हो, जिसका मतलब ये होगा जितना मेरा बी डी होगा उतना मेरा सी डी होगा। प्रूफ करो कि एंगल बी ओ डी, बी ओ डी जो ये वाला एंगल है इक्वल होगा एंगल ए के, इसके इक्वल होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पार्ट, ठीक, लिखते हैं अ ट्रायंगल ए बी सी सर्कम स्क्राइब ऑफ सर्कल, एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ओ है और हमें दे रखा डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जिसकी वजह से जितना मेरा बी डी होगा उतना मेरा सी डी होगा, इसे नंबर वन मान लिया। हमें टू प्रूफ करना है कि जो मेरा एंगल है बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए के। इसे करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने कर दिया जॉइन ओ बी एंड ओ सी, ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ, इन दोनों को जॉइन कर दिया। करने के बाद मेरे बने दो ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल बी ओ डी, दूसरा ट्रायंगल, ठीक, ओ डी सी, बी डी और सी डी दोनों बराबर, एक रीज़न हुआ। ओ डी इसमें भी आ रहा है, ओ डी इसमें भी आ रहा है, दूसरा रीज़न हुआ जो सेंटर से जाने वाला लाइन होती है रेडियस, ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ले लिए, बी डी बराबर सी डी के फ्रॉम वन, ओ डी ओ डी मेरा कॉमन पार्ट हो गया, ओ बी और ओ सी दोनों रेडियस है इस वजह से इक्वल होंगी। तो साइड 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 इस रूल से ट्रायंगल बी ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एस एस एस, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी के थ्रू, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, इसे नंबर वन मान लिया, इसे नंबर टू मान लिया, एंगल वन बराबर होगा एंगल टू के, दोनों एंगल बराबर हैं, जिसका मतलब क्या होगा, ये इसे तो मैं लिख देता हूँ बाय सी पी सी टी, ये एंगल दोनों आधे आधे हिस्से होंगे बी ओ सी के, एंगल वन और एंगल टू, यानी कि ये वाला और ये वाला, ऐसा दोनों बराबर बराबर है, जिसका मतलब ये बी ओ सी के आधे आधे हिस्से होंगे, इसे नंबर मान लेता हूँ मैं टू। इतना करने के बाद अब यूज़ करेंगे थ्योरम 10.8 का। थ्योरम 10.8 में ये बताया जाता है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो रिमेनिंग पोर्शन में बनने वाले एंगल का डबल होता है, ठीक, यानी कि ये जो मेरा एंगल बी ओ सी है ये डबल होगा किसके एंगल, बी ए सी के, एंगल बी ओ सी डबल होगा एंगल बी ए सी लिख दो या एंगल ए लिख दो, ये हमने थ्योरम 10.8 में पढ़ा है, बाय थ्योरम 10.8 के अंदर जो मैंने आपको बात बोली है वही स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी गई है। तो बी ओ सी ये मेरा दो हिस्सों में बटा हुआ है, बी ओ सी देखो दो हिस्से हो गए, एंगल वन और एंगल टू, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए, यहाँ पर एक और दो दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिखा यूजिंग टू, इक्वेशन टू का यूज़ करके हमें बी ओ डी को इक्वल लेके आना है, बी ओ डी, बी ओ डी में कौन है एंगल वन, तो एंगल वन को तो रहने दो एज इट इज़, एंगल टू किसके इक्वल है वन के, तो टू को चेंज कर दो एंगल वन के, तो कितनी बार आया, दो बार आया, टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, टू से टू मेरा कैंसिल हुआ, यानी एंगल वन बराबर आ गया मेरा एंगल ए के, एंगल वन का नाम क्या था बी ओ डी इक्वल आ गया एंगल ए के, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।